हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर पर। आज का हमारा वीडियो कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों से संबंधित है, क्योंकि इस टॉपिक से हर हाल में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम देखेंगे मेन क्रांतियों को, मुख्य क्रांतियों को जो हर हाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी पहली क्रांति जो है पीली क्रांति, पीत क्रांति। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए क्या लाई गई थी? एलो रेगुलेशन, पीत क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि उत्पादन से, कृषि खाद्य उद्यान उत्पादन से। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति, ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हरित, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? M.S. स्वामीनाथन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है, विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी, जो है विश्व हरित क्रांति के जो है जनक कहलाते हैं। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी, M.S. स्वामीनाथन जी। ये दो पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखेंगे नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य और सामुद्रिक उत्पादन से है। समुद्र में उत्पादित होने वाले एक मछली तो है ही, और बहुत सारी चीज़ें समुद्र में उत्पादित होती हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए क्या लाई गई थी? हमारी नीली क्रांति को लाया गया था, ब्लू रिवोल्यूशन को लाया गया था। नेक्स्ट क्रांति हम देखेंगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो हमारा है वो रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, इनकी जो है उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए क्या लाई गई थी? भूरी क्रांति लाई गई थी। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। दो यहाँ हैं, प्याज के लिए भी होता है, झींगा उत्पादन के लिए होता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, प्याज उत्पादन के लिए पढ़ लेते हैं गुलाबी क्रांति है उत्पादन में वृद्धि के लिए, लेकिन झींगा को छोड़ देते हैं। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्याज गुलाबी क्रांति जो है हमारी प्याज और झींगा उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए लाई गया था। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति। गुलाबी क्रांति तो हो ही गया हमारा, हम श्वेत क्रांति देखेंगे। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन से कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्रांति के बारे में हम देखेंगे रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति जो है कपास उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए, कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। और रजत क्रांति देखना भी, यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ रजत रेशा क्रांति है जो कपास उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए लाई गई थी, और जो है हमारी रजत क्रांति जो होती है कुक्कुट और अंडा के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी। तो ये दोनों पॉइंट में कन्फ्यूज मत होना, अच्छे से नोट कर लेना। ये दोनों क्रांतियाँ एक जैसे दिखने में लगती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखेंगे गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू गोल होता है यानी आलू उत्पादन से हो गया। आप लोग अपने हिसाब से अपना ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी आप लोग इसको याद रख पाएँ याद रखें, कोई भी ट्रिक बनाएं, कैसे भी बनाएं, अपना खुद का ट्रिक बना के इसको याद रखने की कोशिश करिए। हमारा अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। बाग हरे भरे रहेंगे, अच्छा जो है इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन हमको मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है स्वर्ण क्रांति एक हम सेंस लगा रहे हैं कि स्वर्ण क्रांति कब होगी, सोना क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो आप हेल्दी रहेंगे, कब रहेंगे? जब बागवानी रहेगी, को भरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आप जो भी आपके मन में चल रहा हो ऐसे रिलेट करके बस याद कर लेना है जैसे तैसे। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखते हैं
स्वर्ण रेशा क्रांति। यहाँ और यहाँ रजत रेशा क्रांति, रजत क्रांति में इन दोनों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं, लोग गलत करके चले आते हैं। स्वर्ण क्रांति जो बागवानी उत्पाद, और स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट पटसन को बढ़ावा देने के लिए था। जूट पटसन की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? रेशा क्रांति लाई गई थी। और बागवानी के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? स्वर्ण क्रांति लाई गई थी। और यहाँ भी याद रखना, रजत और रेशा क्रांति ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे स्वर्ण क्रांति और स्वर्ण रेशा क्रांति अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्रांति हम लोग देखेंगे लाल क्रांति। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर लाल होता है तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। मांस और टमाटर की उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति को लाया गया। और नेक्स्ट हम देखेंगे सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास। अगर कृषि में क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, अनाज उगाए जाते हैं, अनाज हरे भरे होते हैं, तो सदाबहार कब होगा मौसम? जब जो है सब पूरी प्रकृति हरी भरी रहेगी। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? समग्र कृषि विकास के लिए संबंधित है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।